और कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बेहतर ही होंगे। ये CTET सिलेबस रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन का पार्ट सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैं इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर चुकी हूँ। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए आज का कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मैं CTET की ऑफिशियल साइट पर आ चुकी हूं और यहां मैं आपको CTET पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड सिलेबस 2020 का ओवरव्यू बताऊंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं CTET पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड सिलेबस 2020 एंड एग्जाम पैटर्न। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन नेम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ओके CBSE। नेक्स्ट वन, नेम ऑफ द एग्जाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, दैट्स मीन CTET। ओके, कैटेगरी एंट्रेंस एग्जाम ऑफिशियल साइट CTET.NIC.IN। नाउ डिस्कशन अबाउट एग्जाम पैटर्न ऑफ 2020। ठीक है, कि एग्जाम का क्या प्रारूप रहेगा उसके बारे में मैं आपको इसमें हिंदी में बताऊंगी। तो जैसा कि जानते हैं, फर्स्ट पॉइंट है आपका कि ऑल क्वेश्चन इन CTET विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि MCQ वेस्ट आपके क्वेश्चन रहेंगे जिसके 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से एक आंसर आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन है कि हर क्वेश्चन का एक मार्क रहेगा, एक नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा और देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कि कोई भी नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है। नेक्स्ट वन कि देर विल बी 2 पेपर्स ऑफ CTET, तो CTET का जो है वो 2 पेपर होगा। पेपर फर्स्ट उन अभ्यर्थियों के लिए रहेगा जो क्लास 1st to 5th के शिक्षक बनना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट वन, पेपर सेकंड उन अभ्यर्थियों के लिए होगा, उन कैंडिडेट्स के लिए होगा जो क्लास 6th to 8th के शिक्षक बनना चाहते हैं। यहाँ पर एक नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है आपका कि वो अभ्यर्थी या वो पर्सन जो दोनों क्या कहते हैं दोनों क्लास 1st to 5th एंड 6th to 8th दोनों में क्या कहते हैं दोनों के शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके लिए दोनों प्रश्नों पत्रों की परीक्षा देना अनिवार्य होगा। तो पेपर फर्स्ट की बात कर लेते हैं जो क्लास 1st to 5th के लिए है, प्राइमरी स्टेज है, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर्स, दैट्स मीन 2 घंटा 30 मिनट। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं नेम ऑफ द सब्जेक्ट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 कॉलम्स ड्रॉ है। फर्स्ट वन में आपका नेम ऑफ द सब्जेक्ट, विषय, नेक्स्ट में है नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रश्नों की संख्या, और थर्ड में है नंबर ऑफ मार्क्स, दैट्स मीन निर्धारित अंक। ओके, कि कितने मार्क्स हैं। तो फर्स्ट वन है आपका कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, CDP है आपका, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने रहेंगे 30 और नंबर ऑफ मार्क्स कितने रहेंगे 30। जैसा कि पहले आपको जानकारी हो चुकी है कि मतलब प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का है। ओके, नेक्स्ट वन बात करते हैं लैंग्वेज फर्स्ट की। लैंग्वेज फर्स्ट में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी 30 और नंबर ऑफ मार्क्स कितना रहेगा 30। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको CTET के लिए 2 लैंग्वेजेस को चूज करना होता है, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड। तो यहाँ मैं आपको ये विशेष बात बताना चाहूँगी कि लैंग्वेज फर्स्ट में आप मोस्ट प्रोबेबली वही लैंग्वेज चूज़ करें जिस पर आपकी अच्छी कमांड हो, क्योंकि लैंग्वेज सेकेंड के पेपर के कंपैरिजन में लैंग्वेज फर्स्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादा टफ होते हैं, और उन टफ क्वेश्चंस को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी उस लैंग्वेज पर कमांड होगी। ओके, तो चलिए यहाँ हमने लैंग्वेज फर्स्ट की बात की, इसके भी क्या कहते हैं प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और इसके निर्धारित अंक 30 रहेंगे। लैंग्वेज सेकेंड में भी सेम है, जवाब है आपका 30 एंड 30। नेक्स्ट वन आ जाता है आपका मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी आपकी प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और निर्धारित अंक आपके 30 रहेंगे, 30 क्वेश्चन और 30 नंबर। और इन्वायरमेंटल स्टडीज, पर्यावरणीय अध्ययन, तो पर्यावरणीय अध्ययन तो आप समझते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, BA में भी आपने इसका एक पेपर जरूर अटेम्प्ट किया होगा, जो तीनों सालों में से एक साल में इसको क्लियर करना जरूरी होता है। तो इसमें भी आपके ये भी 30, इसके प्रश्नों की संख्या 30 रहेगी और इसके निर्धारित अंक 30 रहेंगे। तो टोटल आप टोटल देख लीजिए, टोटल है आपके 150 MCQ, ठीक है, टोटल आपके 150 क्वेश्चन है और टोटल 150 आपके मार्क्स हैं। नाउ डियर स्टूडेंट,
वी टॉक अबाउट पेपर सेकेंड फॉर क्लासेस 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज. फर्स्ट वन क्या था आपका? प्राइमरी स्टेज, प्राथमिक अवस्था थी. और ये क्या है आपका? उच्च प्राथमिक अवस्था, दैट्स मीन आपका क्या? उच्च प्राथमिक अवस्था, दैट्स मीन एलिमेंट्री स्टेज. ओके, तो ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5 आवर, 2 घंटा 30 मिनट. और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको बोथ लैंग्वेजेस में मिलेगा, हिंदी एंड इंग्लिश. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. तो जैसा कि आप देख सकते हैं 3 कॉलम्स ड्रॉ है यहाँ पे. ऑर्गेनाइजेशन नेम, दैट्स मीन विषय. नेक्स्ट सेकंड जो मिडिल कॉलम है आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन. एंड थर्ड क्या है आपका? नंबर ऑफ मार्क्स, प्रश्नों की संख्या और निर्धारित अंक. ओके, तो नाउ फर्स्ट वन वी टॉक अबाउट चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपल्सरी. जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की जो हमारी शिक्षा है वो बाल मनोविज्ञान पर आधारित हो गई है. और बेहतर शिक्षक वही है जो बाल मनोविज्ञान का बेहतर ज्ञाता है. तो इसीलिए किन पेपर्स में क्या कहते हैं, CDP के पेपर्स को प्राथमिकता दी जाती है. ओके, तो इसमें भी देख सकते हैं कि ये CDP के पेपर में आपके प्रश्नों की संख्या 30 और निर्धारित अंक है 30. दैट्स मीन कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए एक नंबर जो है निर्धारित है. नेक्स्ट वन लैंग्वेज फर्स्ट, भाषा लैंग्वेज फर्स्ट आपकी वो हिंदी भी हो सकती है, वो इंग्लिश भी हो सकती है. इसके बारे में मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ. तो इसमें भी प्रश्नों की संख्या आपकी 30 रहेगी और जो आपकी निर्धारित अंक रहेगा वो भी 30 ही रहेगा. लैंग्वेज सेकेंड में भी हिंदी और इंग्लिश, वो भी आपके चॉइस और ऑप्शन पे ही डिपेंड करता है. उसमें भी प्रश्नों की संख्या आपकी 30 रहेगी और जो निर्धारित अंक है वो भी 30 रहेंगे. तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड जो है 60% वो सेम है. जो मेन जो इसका बेसिक और सबसे बड़ा डिफरेंस है इसी कॉलम के तहत है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में क्या था. फर्स्ट में आपका जो आपका फोर्थ पेपर था मैथमेटिक्स एंड फिफ्थ पेपर आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज था. लेकिन यहाँ पर जो आपका फोर्थ जो पेपर है आपका मैथमेटिक्स एंड साइंस है. किसके लिए है? जो मैथमेटिक्स एंड साइंस के टीचर हैं या जिन्होंने अपना BEd या DLED जो है अपना इस विषय के साथ फुलफिल किया है या उनका टीचिंग सब्जेक्ट ये रहा है. दूसरी ओर जो कला वर्ग के छात्र हैं उनको सोशल स्टडीज या सोशल साइंस का एग्जाम देना है. तो दोनों के हिसाब से इसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस के 60 क्वेश्चन रहेंगे और उसके लिए निर्धारित अंक भी आपके 60 रहेंगे. एज इज इट आपके सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस के भी 60 क्वेश्चंस रहेंगे और उसके निर्धारित अंक 60 रहेंगे. क्योंकि सोशल साइंस जो आपको पता है कि ह्यूज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का है, जिसमें आपका ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, सिविक्स भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, सोशियोलॉजी एसेट्रा एसेट्रा. दैट्स मीन इसमें भी क्वेश्चन वेरिएशन ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो आप टोटल देख लीजिए. टोटल आपका हो गया प्रश्नों की संख्या 150 और निर्धारित अंक आपके 150.